पति के सामने बदमाशों ने की छेड़छाड़। नर्सिंग स्टाफ ने दी हड़ताल की धमकी। महिला को बेइज्जत करने की घटना को अंजाम। प्रशासन को कोरोना काल में हड़ताल की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने कट्टे की नोक पर सरकारी डिस्पेंसरी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स और एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के पति को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और महिला को बेइज्जत करने की घटना को अंजाम दिया, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है। इस घटना को लेकर सरकारी अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ में गुस्से का माहौल है और उन्होंने प्रशासन को कोरोना काल में हड़ताल की चेतावनी दे दी है। घायल महिला स्वास्थ्य कर्मी और उसके पति को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। महिला ने पुलिस को बताया कि ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वो अपने पति के साथ बाइक पर घर जा रही थी, तभी बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोका और उसके पति के साथ मारपीट की। विरोध करने पर कट्टा दिखाकर दोनों को बंधक बना लिया और पति के सामने ही उसके साथ छेड़छाड़ की। इसके अलावा महिला ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने उसके पति की बाइक तोड़ी और पर्स लेकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल महिला स्वास्थ्यकर्मी ने कंचनपुर पुलिस थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है और बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। कंचनपुर थाना के SHO देवेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि एक महिला द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला आया है। मौके पर हम वहां गए थे, लेकिन बदमाश वहां से भाग गए थे। इस घटना में शामिल सभी बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।